देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक। जिला मुख्यालय मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान में चल रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल T20 राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का कल दूसरा सेमीफाइनल मैच बिहार और मधेपुरा के बीच खेला गया। टॉस जीतकर बिहार की टीम क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। मुकाबले में बिहार की टीम ने मधेपुरा की टीम को पराजित कर फाइनल में अपना जगह बना लिया। कल के मैच के मुख्य अतिथि रेणु कुशवाहा और विजय कुशवाहा रहे। वहीं सूरज कुमार को मैन ऑफ द मैच UVK कॉलेज के प्राचार्य माधवेंद्र झा के द्वारा दिया गया। देखिए पुरैनी से भरत कुमार की यह रिपोर्ट। एक और शाबाश, वहां थोड़ी देर लगा के सब गिरे के चले गए सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। एक्स्ट्रा कवर के से जाता हुआ एक चौका और मैच एक बार फिर यहां पे बिहार की ओर झुकता हुआ। आज एफआई साहब की बहुत मैं दिल से तारीफ करना चाहूंगा। आज दोनों ही निर्णायक महोदय ने प्रभावित किया, बहुत ही उम्दा का यहाँ पर एम्पायरिंग करी है। आज दोनों ही हमारे निर्णायक महोदय मुन्ना ठाकुर और विनोद साहनी जी ने जिस समय आपकी टीम का स्कोर केवल 7 रन पर 7 विकेट, कैसा लग रहा था आपको? ठीक था, विकेट गिर गए थे हमारे, लेकिन हमारे नंबर 11 तक बैटिंग है, मतलब सब लोग अच्छी बैटिंग करते, तो हमें विश्वास था। अगले मैच के लिए थोड़ी सी रणनीति बदलना चाहेंगे आपके दर्शकों को? कुछ नहीं, बस ऐसा अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, जो रिजल्ट होगा कल देखा जाएगा। यहाँ के आयोजन के बारे में और यहाँ के व्यवस्थापक के बारे में, एम्पायर के बारे में आपका थोड़ा सा क्या कहना? आयोजन काफी अच्छा, पब्लिक भी आके काफी सपोर्टिंग है, लेकिन थोड़ा अंपायरिंग के लेवल को थोड़ा ऊपर करना होगा, क्योंकि काफी दूर से टीमें आती है, तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। थैंक यू। एक सवाल मेरा सर, आपने कहा कि 1-11 हमारे बल्लेबाज हैं और हैं भी, जिस प्रकार से 8वें नंबर के बल्लेबाज आकर के सूरज और गौरव ने बल्लेबाजी करी तो वो दिखा भी, लेकिन एक बात आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आखिर टॉप के जो 7 आपने बल्लेबाज को भेजे थे वो तो सुपर होंगे, इससे तब आपने उसको भेजा तो ऊपर, और इतना विकेट लेकर के मैच पर एक तरफ तो आधे से ज्यादा दर्शकों ने मान लिया था कि मधेपुरा अच्छे पोजिशन में है, तो उसके गेंदबाजों का आप कितना क्रेडिट देना चाहेंगे 7 विकेट के लिए? मैंने पहले ही बोला कि सामने वाली टीम की बॉलिंग काफी अच्छी थी, फील्डिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन ठीक है हमारी बैटिंग काफी लंबी थी तो हमें विश्वास था, और अच्छे बैट्समैन थे ऊपर वाले, लेकिन हमारी बैटिंग बहुत लंबी थी। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज, खबरें आपसे आप तक।